चैनल तो फ्रेंड्स मैं बात करने वाली हूँ स्कोडा ऑक्टेविया के बारे में, जो कि हमें 48 वोल्ट माइल हाइब्रिड टैग के साथ देखने को मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स जो स्कोडा ऑक्टेविया है वो अब हमें 48 माइल हाइब्रिड टैग के साथ देखने को मिलने वाली है, जिसकी डिटेल्स है वो रिवील्ड हो चुकी है। तो फ्रेंड्स जो माइल हाइब्रिड इंजन है वो अभी तक हमें इंटरनेशनल मार्केट में ही देखने को मिलता था, बट फ्रेंड्स अब ये इंडिया के अंदर भी आने वाला है। तो फ्रेंड्स जो स्कोडा ऑक्टेविया ई टैग है उसके अंदर हमें 48 वोल्ट का माइल हाइब्रिड सिस्टम देखने को मिलने वाला है, और फ्रेंड इसके अंदर हमें 1.0 लीटर का इंजन देखने को मिलने वाला है, जो कि हमें 110 bhp के पावर आउटपुट के साथ देखने को मिलेगा। और फ्रेंड इसके अलावा इसके अंदर हमें 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन भी देखने को मिलने वाला है, जो कि हमें 150 bhp के पावर आउटपुट के साथ देखने को मिलने वाला है। तो फ्रेंड जो माइल हाइब्रिड सिस्टम है उसके अंदर हमें 48 वोल्ट की लिथियम आयन बैटरी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से इसके अंदर हमें 50 nm का टॉर्क है वो देखने को मिलने वाला है। और फ्रेंड्स ये सारे ही इंजन हमें 6-speed DSG ड्यूअल क्लच ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ एज ए स्टैंडर्ड देखने को मिलने वाले हैं। और फ्रेंड्स जो माइल हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है उसके अंदर हमें मैनुअल ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। तो फ्रेंड्स इसके जो परफॉर्मेंस फिगर्स है वो ऑफिशियली अभी तक कन्फर्म नहीं किए गए हैं, और फ्रेंड इसके अंदर हमें जो एफिशिएंसी है वो हमें अच्छी देखने को मिलने वाली है। और फ्रेंड्स ये इंजन है वो हमें मिलर इंजेक्शन साइकिल के साथ देखने को मिलने वाले है, जिससे कि इस कार के अंदर हमें 35% का जो मैक्सिमम टॉर्क है वो देखने को मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स ये कार जल्दी इंडिया के अंदर लॉन्च होने वाली है, तो फ्रेंड्स ये कार इंडिया के अंदर 2021 में लॉन्च हो सकती है। तो फ्रेंड्स फिलहाल तो इस कार के बारे में इतनी डिटेल्स रिवील हुई है जो मैंने आपको बताया। तो फ्रेंड इसी तरह से हमारे न्यू इन्फॉर्मेटिव एंड ऑटोमोटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूले, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आए। और फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें।